उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। इस ऐतिहासिक जीत में सपा से महिला नेता सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव ने तकरीबन 2,88,461 मतों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाके को हरा दिया। और अब इस ऐतिहासिक जीत के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कई बड़ी रणनीतियां बना ली हैं और अखिलेश यादव अब काफी ज्यादा खुश हैं। वह तमाम बड़ी बड़ी रणनीतियां बना रहे हैं अपने चाचा प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर। और ऐसे में दावे ये किए जा रहे हैं बीते कई दिनों से, जब से मैनपुरी में सपा ने जीत हासिल की है, कि कहीं ना कहीं सपा में अब शिवपाल यादव को अहम बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनाम के तौर पर उन्हें कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। दावा किया गया कि नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें सौंप सकते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर खुद अखिलेश यादव हैं और ये पद उन्हें सौंपा जा सकता है। दूसरी ही तरफ अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है या फिर लोकसभा चुनाव में इटावा या फिर फिरोजाबाद से उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। जहां एक तरफ शिवपाल यादव इन तमाम सवालों पर चुप्पी साधे हुए नजर आए, तो वहीं उनके बेटे आदित्य यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि उनके पिता शिवपाल सिंह यादव को पद की कोई भी लालसा नहीं है। वह किसी बड़े पद पर रहकर काम करना जरूरी नहीं समझते हैं। उनके लिए पार्टी को मजबूत बनाना काफी ज्यादा मायने रखता है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। सैफई में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और उनके साथ डिंपल यादव भी मौजूद रही। मीटिंग के बाद कार्यकर्ताओं ने बताया कि बैठक में साल 2024 की तैयारियों पर चर्चा हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि अब न्याय नहीं मिल सकता। आरोप लगाया कि अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बनकर फैसला ले रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि जैसे ही आरक्षण तय होगा हम जनता के बीच जाएंगे और निकाय चुनाव के कारण व्यापारियों पर GST के छापे रोके गए। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी। वहीं योगी सरकार पर भी निशाना साध दिया। लेकिन जब उनसे पूछा गया चाचा शिवपाल को जिम्मेदारी देने की बात, तब उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि अब वो साथ आ गए हैं, अब इस पर पूछना ही क्या है। इस तरह से अखिलेश यादव ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली। फिलहाल देखा जाए तो सपा में प्रसपा का विलय हो चुका है। दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं कि अब नगर निकाय चुनाव में सपा प्रसपा की तरफ से एक प्रत्याशी के तौर पर किसी को आगे किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव को लेकर जो तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या अखिलेश यादव शिवपाल यादव को आगे नहीं रखेंगे? मालूम हो कि शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा था कि अखिलेश यादव अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो उसकी जिम्मेदार यहाँ पर डिंपल यादव होंगी, क्योंकि डिंपल यादव ही एक ऐसी शख्स रही है परिवार की जिन्होंने शिवपाल अखिलेश को एकजुट किया, उन्हें फोन किया, उन्हें मनाया। अब देखना होगा क्या डिंपल यादव यहां पर चाचा शिवपाल यादव को कोई बड़ा पद दिलाने में कामयाब होंगी, क्योंकि दावे ये भी किए जा रहे हैं कि जसवंत नगर सीट अगर खाली होगी तो कहीं ना कहीं उस सीट से सपा की तरफ से अगले कैंडिडेट उनके बेटे आदित्य यादव हो सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव ने जो चुप्पी तो साध रखी, क्या यहां पर अखिलेश उन्हें कोई बड़ा पद सौंपेंगे? वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। Wow.